आई थी तुम? बताओ जल्दी कहाँ जा रही हो? कौन से स्कूल जा रही हो ये बताओ। और तुमने ड्रेस क्यों नहीं पहनी है? ये तो स्कूल की ड्रेस नहीं है। नहीं, ये स्कूल की ड्रेस तो है नहीं। ये तो स्कूल की ड्रेस नहीं है। क्या है? पोरोट है? फ्रॉक है ये। अभी तुम्हारी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती, पता नहीं क्या कहती हो। वीडियो फिर से देंगे हम जुन्नू को। थैंक यू नहीं बोलोगी? हाँ, सलाम करिए चल के दादी से। सलाम कर लो दादी, सलाम, वरना स्कूल नहीं ले जाएंगे अम्मी। सलाम कर लेती है बाबू, करना आता है? आता है, अच्छी लड़की है मेरी। डायरेक्ट स्कूल जाने की ना हो। स्कूल जाओ, उधर नहीं जाओ। तायबा की छुट्टी हो गई, तायबा अब जा रही घर। तायबा बताओ, आज तुम बताओ कि हम तुम्हें कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। हाँ, तो उर्दू समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत आ गई है। बहुत आ गई है। पहले तायबा कुछ नहीं पढ़ पाती थी, अब बहुत कुछ पढ़ने लगी है ना तायबा? जी। चलो ठीक है बाप, जाओ। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ वेडिंग पे। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हो माशाल्लाह कितना ही ज़्यादा खूबसूरत रिजॉर्ट है। तो हमारी वेडिंग्स जो हैं वो हमारी ख़त्म ही नहीं हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं जाना हो ही रहा है माशाल्लाह। और देखिए, और हम जिस रिज़ॉर्ट में आए ना, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत रिज़ॉर्ट है। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम हुआ है। चलो कोई नहीं, लेकिन मेरा व्लॉग बनाना तो बनता ही था भाई। इतना खूबसूरत रिजॉर्ट है और इसकी तारीफ ना हो तो क्या हो। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि हमारा रिजॉर्ट कैसा है और कितना ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप सबको बता दूं, ये जो रिज़ॉर्ट है ना, यहाँ पर इससे पहले भी मैं आ चुकी हूँ एक वेडिंग में, और मैं उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ये वही वाला रिज़ॉर्ट है जहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, और ये इस रिज़ॉर्ट का लॉन नंबर 1 है। मैं आई थी इससे पहले लॉन नंबर 2 में, और माशाल्लाह वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोग ज़रूर देखिएगा वाला वीडियो, और ये वाला भी व्लॉग मेरा ज़रूर देखिए। माशाल्लाह ये रिज़ॉर्ट भी उतना ही ज़्यादा खूबसूरत है जितना कि लॉ नंबर 2। तो चलिए फिर अंदर इंटर करते हैं और देखते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से उतना ही ज़्यादा खूबसूरत जितना कि बाहर से माशाल्लाह। जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए मेरे हिसाब से वो कम होगी। हमारे सिटी में इतना ज़्यादा खूबसूरत रिज़ॉर्ट है, ये तो बहुत बड़ी बात है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर दिख गया मुझे मिरर, और भाई जब मिरर दिखे और मैं ख़ुद को ना उसमें आपको दिखाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है माशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने सोचा मैं आपको अपना ड्रेस भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने अपना ड्रेस भी अभी तक नहीं दिखाया आपको। तो आप लोग देख लो माशाल्लाह मैंने लहंगा पहना हुआ है, और कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर मिरर था तो सेल्फ़ी लेना भी बनता था, हम लोगों ने ढेर सारी सेल्फियाँ लीं, मैंने थोड़ा वीडियो शूट किया और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर सिस्टर लोगों की भी सेल्फी वगैरह चालू है, और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा अपना वीडियो शूट ऐसे करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था भाई। और मैंने यहाँ पर ये जो स्टॉल ली है ना हिजाब, ये जो मेरा न्यू हिजाब है, मैंने अभी अपनी कज़िन की वेडिंग में जो लिया था न्यू हिजाब, ये वही वाला है। तो मैंने सोचा मैं आपको पास से क्लोज़ करके दिखा देती हूँ कि कैसा है कलर कॉम्बिनेशन। और लिपस्टिक मैंने कुछ ज़्यादा ही डार्क लगा ली, एक्चुअली मैंने जानकर लगाई क्योंकि मैं अभी तक बहुत लाइट लिपस्टिक लगा रही थी। तो मेरा बहुत दिल था कि मैं भाई थोड़ा डार्क करके देखती हूँ कैसी लग रही है। जब मैंने डार्क किया तो कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गई, और उसको फिर अगर मैं उसको क्लीन करती ना तो और ज़्यादा मैसी हो जाती, इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, इतना तो चलता ये कभी कदार। तो बस मैंने लगा लिया, और
और यहाँ पर ना ब्राइड और ग्रूम के बैठने के लिए एक सेटअप बनाया हुआ था, माशाल्लाह कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था भाई। और यहाँ का क्लिप लेना तो बनता ही था, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा तो मैंने सोचा चलो शूट कर लेते हैं। और ऊपर का आप सेटअप देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है, आई मीन सीलिंग कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, इसमें लाइट्स लगी हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा आप पास से देखते ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी आपको कैमरे में मोबाइल भी मतलब मोबाइल में भी अच्छा लग रहा है, बट ऐसे आप देखते ना सामने से तो ओ माय गॉड आप कहते वाह क्या खूबसूरती है। और फिर यहाँ पर हमने खाए मज़े मज़े के स्टार्टर, तो चलो देखो हमने क्या क्या खाया। और प्लीज़ ललचाना मत देखकर, क्योंकि शादी में अगर कोई चीज़ जब खाई जाए ना तो उसको देखकर ही लालच आने लगती है। इस टाइम तो मुझे भी आ रही है कि मैं क्या बताऊँ, बस चलो ठीक है आप ही देखो। और यहाँ पर आ गई हमारी ब्राइड, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। उनका गरारा माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था और पीछे का जो बैकग्राउंड था उसके तो फिर क्या ही कहने थे। और मैं आपको बता दूं कि हम किसकी शादी में गए थे, एक्चुअली मेरे पापा के बहुत ही पुराने फ्रेंड थे, उनके बेटे का वलीमा था, तो बस हम वहीं गए थे। और यहाँ पर ना हम तीनों सिस्टर्स जो हैं मिरर के सामने वीडियो शूट कर रहे थे, मैंने सोचा चलो एक वीडियो शूट करते हैं और मैं यहाँ पर उनको स्टाइल बता रही हूँ ऐसे करो ऐसे करो, और वो लोग कर भी रहे थे। तो भाई स्टाइल मारना तो बनता ही है, वैसे तो बहुत कम आती है स्टाइल वगैरह मारना, हम लोगों से अच्छे अच्छे लोग मार लेते हैं भाई स्टाइल वगैरह करके फ़ोटोशूट करना, हमको तो भाई कुछ नहीं आता, लेकिन जो भी आता है वो दिखा देते हैं थोड़ा बहुत आपको। तो चलो अब चलते हैं खाना वगैरह खाते हैं, डिनर करते हैं, क्योंकि बहुत ठंड हो रही थी और हमें जाना भी था, लेट भी हो रहा था, तो चलो फिर खाना पीना खाते हैं उसके बाद फिर। अच्छा यहाँ पर दिख गया हमें एक सेल्फ़ी पॉइंट, अब भाई सेल्फ़ी पॉइंट देखिए, और सेल्फ़ी ना हो तो ऐसा हो सकता है, तो बस हम और सिस्टर दोनों लोग चले गए भाई, थोड़ी बहुत सेल्फ़ी वगैरह ली यहाँ पर और उसके बाद अपना डिनर एंजॉय किया। और मैं आगे आपको ये भी दिखाऊंगी कि हमने डिनर में क्या क्या खाया और डिनर में कितनी मज़े मज़े की चीज़ें थी, वो भी मैं आपको आगे ज़रूर दिखाऊंगी।
तो यहाँ पर जी मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ मीठे से। ये था ज़रदा और ये थी बिरयानी, मटन बिरयानी थी, और ये था चिकन कोरमा कबाब। और खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बना था। यहाँ पर जो है मटन था, और फिर उसके बाद मैंने भी अपनी प्लेट सजा ली, और ये था शायद शाही पीस था शायद ये, और यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट भी सजा ली। एक्चुअली वेज भी था, वेज का मैं शूट नहीं कर पाई, थोड़ा बहुत मैंने नॉन वेज का कर लिया। और यहाँ पर सब लोग खाना पीना खा रहे हैं बैठकर, और बाहर का व्यू जो था बहुत खूबसूरत था, और बाहर काफ़ी ठंड भी हो रही थी। हम अंदर बैठे थे तो हमें नहीं लग रही थी, बट जैसे हम बाहर आए ना तो हम ठिठुर के मतलब बहुत ठंड लग रही थी। तो हमने जल्दी जल्दी खाना पीना खाया और उसके बाद हम निकल पड़े घर की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं अपना यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना तेज़ ज़ुकाम हुआ है ना कि मैं सामने आ ही नहीं सकती। मेरी नाक जो लिक्विड की तरह बह रही है, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, हसन आफरीन व्लॉग को सब्सक्राइब कर देना। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर, आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। हसन आफरीन व्लॉग को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़। और मेरे लिए खासकर दुआ ज़रूर करना कि मेरा नज़ला जल्दी से अच्छा हो जाए।